तो भाई साहब YouTube चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या करें। तो व्यूज लाने के लिए मैं आप सभी जनों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आप लोगों को हमेशा व्यूज देगी। कई बार ऐसा होता है, हम वीडियो तो अपलोड कर लेते हैं लेकिन वो एक समय तक ही व्यूज देती है, उसके बाद में व्यूज देना बंद कर देती है। लेकिन आज की जो ट्रिक है वो आपको मैं बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूं। बस आप लोग गलती क्या कर देते हो, टाइटल थंबनेल और टेक्स्ट इनके अंदर आप लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो, इनके ऊपर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। लेकिन आजकल ये जो चीजें हैं ये भी सभी को पता चल गई, तो आप लोगों को इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना पड़ेगा और एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर लगाने रहेंगे। लेकिन वो लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, चलो इस वीडियो के अंदर आप सभी जनों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले वीडियो तो किसी को पता नहीं देगा कि आपने वीडियो डाली कितनी अच्छी क्या है, वो गेस करेगा थंबनेल से ही। तो आप लोगों को क्या करना है, थंबनेल को इंप्रूव करना है। अब आप लोगों को यहां पर मैं 10 थंबनेल दिखाऊंगा, चलो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। तो यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, आप लोग इधर देखना और मैं यहां पर देख लेता हूं। तो मैंने यहां पर क्या सीन करा है, सबसे पहले मैं एक वीडियो यहां पर सर्च करने वाले कि भाई व्यूज कैसे बढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक सर्च कर लिया, व्यूज कैसे बढ़ाएं, सजेशन इसने मेरे को यहाँ पर दे दिया है और मैंने डायरेक्ट सजेशन से क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखो एक थंबनेल आया, दो थंबनेल आया, तीन आया, चार आया, मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आ गई। लेकिन मैं सारी वीडियो के साथ में एक साथ में तो क्लिक करने वाला नहीं हूं, एक ही वीडियो देखूंगा और मेरे को समय बचाने के लिए एक बेस्ट वीडियो देखनी रहेगी तो मैं क्या देख करके क्लिक करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने वीडियो तो देखी नहीं है, वीडियो तो हम क्लिक करेंगे उसके बाद में दिखेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट करना, थंबनेल, यानी कि अगर चैनल के ऊपर व्यूज चाहिए तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए। तो थंबनेल अब अच्छा कैसे, इनके अंदर से पसंद करो कि आप किस थंबनेल के ऊपर क्लिक कर रहे हो, जो आपका दिमाग बोल रहा है वही आप लोग क्लिक करोगे। तो इसी तरीके से हजार लोगों का जो दिमाग बोलेगा उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहीं से आप लोगों जो हजार लोगों के दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसको देख करके वो क्लिक करेंगे। तो यही चीज सोच करके आप लोगों को थंबनेल बनाना है ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लिक हुए और थंबनेल के ऊपर क्लिक होंगे तब जाकर के बंदा आपकी वीडियो के ऊपर पहुंचेगा। अब एक चीज हो रहा है कि यार वीडियो सर्च के अंदर लाएंगे तब जाकर के हमारी वीडियो के ऊपर कोई बंदा क्लिक करेगा, सर्च के अंदर नहीं आ रही तो क्लिक कैसे करेगा। तो नंबर दो पॉइंट, सर्च के अंदर वीडियो को कैसे लेकर क्या है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया ना कि मेरे को सजेशन दिया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया क्योंकि मेरा टॉपिक था व्यूज कैसे लाएं। तो आप लोग क्या करो, इस चीज को सर्च करो, क्योंकि मैंने एकदम से क्लिक किया और जो चीज का यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ था उसी के ऊपर YouTube ने मेरे को सजेशन दे दी और वहीं से मेरे को वो वीडियो मिलने लगी। तो आप लोग भी अपनी वीडियो के अंदर इसी तरीके से सर्च के अंदर जाना, जो भी सारी चीजें मिल रही है यहाँ पर इन्हीं चीजों को आप लोगों को क्या करना है, इन्हीं को कॉपी करना है, इन्हीं से बनाना है 1, 2, 3, जो तीन चीजें आपको बताएगी इन्हीं को आप लोगों को टाइटल बना लेना है ताकि कोई भी बंदा क्लिक करे तो सीधी आपकी वीडियो के ऊपर आ जाए। और इन्हीं को आप लोग क्या करना है, हैशटैग बनाना है, इन्हीं को आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देना है, इन्हीं को टेक्स्ट के अंदर भी डाल देना है। ये चीज आप लोग कर लेनी, इससे आपकी वीडियो का एसईओ भी हो जाएगा और थंबनेल के ऊपर भी लोग क्लिक करने लग जाएंगे। दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप लोग क्या करना है, सीधा आ जाना है YT स्टूडियो के अंदर। तो कैसे आएंगे YT स्टूडियो के अंदर, मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं YT स्टूडियो को। YT स्टूडियो मैंने यहां पर ओपन कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, चीज देख लो, जैसे कि कोई भी हमारी वीडियो है तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो यहां पर ओपन करने वाला हूं और यहां पर एनालिटिक्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद में आपको सर्च करना है जो आपका कंटेंट है वो कहां से आ रहा है। तो यहां पर हमारे को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन हमारा रहने वाला है YouTube सर्च के, सर्च टर्म्स के अंदर से कितने बंदे यहां पर आ रहे हैं। तो YouTube सर्च टर्म्स यहां पर लिखवा गया, तो देख सकते हो कितने बंदे यहां पर आ रहे हैं लास्ट 20 डेज के अंदर और लोगों ने क्या सर्च किया है। ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी, इनको उठाना है और ये चीज बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल रियल चीज है। अगर आप उसको मजाक के अंदर ले रहे हो तो मैं बोलूंगा इस वीडियो को छोड़ करके चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये जो चीजें हैं इन्हीं को आप लोगों एज अ टीज आप लोगों को उठाना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ठोक देना है, हो सके टेक्स्ट के अंदर जगह हो तो थोड़ी सी इनके अंदर से भी चीजें उठा लेनी, और खास करके ऊपर के जो 5 टॉपिक्स आने वाले इनको तो आप डाल ही देना, हैशटैग भी बना लेना, इनके टेक्स्ट के अंदर भी डाल देना, इन चीजों को डाल देना, तो आप लोगों को डबल यहां पर वीडियो का एसईओ हो जाएगा, एक यूट्यूब सर्च के अंदर से, दूसरा आपके चैनल के अंदर से। तो आपकी वीडियो ज्यादा यूट्यूब की नजरों में जाएगी और ज्यादा कैचअप हो जाएगी और यही है यूट्यूब का एल्गोरिथम। जो लोगों को समझ में नहीं आता है उन लोगों को बताता हूं, इसी को बोलते हैं यूट्यूब का एल्गोरिथम। तो मैंने आपको यहां पर तीन चीजें बता दी है, इन चीजों को आप लोगों को पकड़ करके रखना है, जगड़ करके रखना है और जब तक आप लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तब तक इनको बार बार फॉलो करते रहो। इसके बाद में एक कॉमन गलती मैंने बार बार देखी है, कॉमन गलती ये कि आपको ऑडियंस सेक्शन के ऊपर आना है। हम वीडियो को गलत टाइम पर अपलोड कर देते हैं, सुबह के 4 बजे वीडियो को अपलोड करेंगे तो उस समय तुम्हारे इंडिया के अंदर सभी जने सो रहे होते हैं और उस समय हमारी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे तो यूट्यूब 1 से 2 घंटे के अंदर सर्च के अंदर से वापस हटा लेता है। कई बार ऐसा होता है, वीडियो एक बार तो सर्च के अंदर दिखती है और 4-5 घंटे बाद में हट जाती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बराबर क्लिक नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, रात में दिन में इस समय आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग ऐसा शेड्यूल ढूंढो जिस समय काफी सारे लोग जो है फ्री रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं आपके YT स्टूडियो के अंदर से कुछ ऐसा समय, तो समय हमारे सामने आता है, ऑडियंस यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन यूर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, हमारे व्यूअर यूट्यूब के ऊपर कब रहेंगे, तो इस शेड्यूल के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यहां पर यूट्यूब ने खुद बताया समय 24 घंटे के अंदर से, तो 17.59 के अंदर, यानी कि हम इसको मान सकते हैं शाम के 6 बजे, शायद 6 ही होंगे और आप कमेंट करके मुझे बताना। तो 6 बजे के बाद में वो टाइम बताया, 6:30 फिर 7 बजे,
तो जब भी मैं डालूंगा वीडियो तो मेरे चैनल के ऊपर ऑडियंस जो है ज्यादा एक्टिव रहती है, तो मेरे को उस समय अपने चैनल के ऊपर वीडियोस को करना चाहिए अपलोड। तो ये चीज हमारे को खुद यूट्यूब ने यहाँ पर बता दिया, और आप देख सकते हैं फ्यू व्यूअर और मेनी व्यूअर का यहाँ पर बताया गया। जो कम कम कलर आ रहा है ना, डार्क सॉरी लाइट कलर और डार्क कलर, आप दो देख लो, जो डार्क कलर है वो आप लोगों को भी आपके चैनल के ऊपर सर्च करके या फिर इसको वाइटी स्टूडियो के अंदर से जाकर के आप लोगों को चीज देख लेनी है। इससे आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपके चैनल के ऊपर पहले आ रहे थे ना, उससे आप लोग मान करके चलो 10x अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। 10x का मतलब है कि 10 गुना अच्छे रिजल्ट। तो भाई साहब ये है गणित पूरी, जो कि आप लोगों में से काफी सारे बंदे मिस कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूं जो इन दिनों चल रही है ट्रेंडिंग के अंदर। क्या करते हैं हम लोग, अभी YouTube सबसे ज्यादा जो पुश कर रहा है वो YouTube शॉर्ट्स के ऊपर ही कर रहा है। तो आप लोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं शॉर्ट्स। चलो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। हम जा रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ शॉर्ट, और मैंने कल ही अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड करें तो देख सकते हैं 1K, 2.2K, 1.3K। और मेरी वीडियो देखोगे, कल वीडियो अपलोड करी 20 घंटे के अंदर 185, वन डे के अंदर यहाँ पर 131, इतने से ही व्यूज बता रहा है। तो आप अपने चैनल के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड करो। अब शॉर्ट्स से आप इन बड़ी वीडियो के ऊपर व्यूज कैसे लेकर गया, वो बात आती है यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अपनी कैटेगरी के, गेमिंग का चैनल है तो गेमिंग के शॉर्ट्स डाल दो, टेक का चैनल है तो टेक के शॉर्ट्स डाल दो, अनबॉक्सिंग का चैनल है तो अनबॉक्सिंग के शॉर्ट्स डाल दो। इस तरीके से आप लोगों को दिमाग लगाना रहेगा। शॉर्ट्स वाली वीडियो के ऊपर बंदा आएगा, उसको शॉर्ट्स पसंद आएगा, या फिर उसके अंदर कुछ कमी उसको लगी, या फिर उसको कुछ चीज हजम नहीं हुई, तो वो क्लिक करेगा चैनल के ऊपर और आएगा और आपकी बड़ी वीडियो को भी देख करके जाएगा। तो ऐसे में ऑडियंस जो है इनडायरेक्टली उनको पता ही नहीं चलेगा, और कब आपके चैनल के ऊपर वो विजिट करने लग जाएगी और कब वो आपके पक्के सब्सक्राइबर बन जाएगी, ये आपको नहीं पता चलेगा। और ये चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कोई भी रेंडम चैनल देखा होगा कभी भी, लेकिन वो रेंडम चैनल कब आपका फेवरेट चैनल बन गया ये आप लोगों को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो आप लोगों सामने रेंडम ही आई होगी। और यूट्यूब जो शॉर्ट्स है 1,000 व्यूज तो वैसा वीडियो डालते ही आप लोगों को मौका मिल रहा है, और डाल करके देखो एक बड़ी वीडियो 1,000 व्यूज आने में कितना पसीना आ जाता है। तो अभी काफी अच्छा मौका बन रहा है, इतने अच्छे व्यूज जो है YouTube खुद पुश कर रहा है, तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल मत गवाओ, इसका पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाओ। मैं आप लोगों को बस यही चीज बोलूंगा, इससे आप लोगों को बहुत सारा फायदा होने वाला है। देखो कोई नुकसान तो होगा नहीं, साथ ही साथ में आपके जो चैनल है उसकी रीच भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी। जैसे शॉर्ट जा रहे हैं वैसा भी फिर बड़ी बड़ी वीडियो भी यूट्यूब लोगों तक भेजना शुरू कर जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब को लग जाएगा शॉर्ट वीडियो काफी अच्छी है, लोग उन वीडियोस को देख रहे हैं, तो यूट्यूब ट्राई करेगा कि इसकी बड़ी वीडियो भी चार लोगों के पास में भेजूं, वो पसंद करते हैं या फिर नहीं करते। फिर अगर आपकी वीडियो के अंदर दम हुआ तो फिर आपकी वीडियो 110% लोगों तक जाएगी, लोगों को पसंद आएगी और लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे व्यूज बना सकते हो। देखो ट्रिकें बहुत सारी है, लेकिन आप उनको यूज के अंदर नहीं लेते हो, बस आप थोड़ा सा आलस दिखा देते हो। तो इन चीजों को तब याद रखना जब आप लोग वीडियो को अपलोड करते हो, तब आप लोगों को बहुत सारा फायदा दिलाने वाली है। जब भी वीडियो पूरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में पहले उसका थंबनेल बना, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टेक्स्ट पहले ही बना करके रख लो, ताकि जब वीडियो अपलोड हो रही हो तब ये सारी चीजें फुलफिल कर लो, सेव कर लो, उसके बाद में पब्लिक करो, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे व्यूज यहां पर मिल रहे हैं। तो चलो यार यही थी वीडियो, इसके अंदर मैंने अपना बहुत सारा एफर्ट्स दिया है। तो भाई साहब इसी बात के ऊपर एक लाइक तो कर देना, और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।